मंगल सिंह बहुत बड़ा डाकू था। उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी दौलत जमा की थी, मगर मंगल सिंह की एक पोती थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अब अपने सारे काले धंधे छोड़ दिए थे और अब वो अपनी पोती के साथ आराम से रहता था। एक दिन मंगल सिंह अपनी पोती को अपना खजाना दिखाता है और कहता है कि ये खजाना मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है और इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास ही रहती है। लेकिन एक दिन अचानक मंगल सिंह की डेथ हो जाती है तो वो मरते मरते अपनी पोती को एक बोतल के अंदर चाबी दे देता है। अगर पोती उस बोतल में से चाबी निकाल लेती है तो ये सारा का सारा खजाना पोती का हो जाएगा। तो भाई दोस्तों, जरा रुको रुको, क्योंकि यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन भी है। पोती उस बोतल को ना तो खोलकर उसमें से चाबी निकाल सकती है और ना ही बोतल को तोड़कर उसमें से चाबी निकाल सकती है। दोस्तों, क्या आप पोती की मदद कर सकते हो क्या बोतल से चाबी निकालने में? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। पोती का दिमाग बहुत तेज था, उसने थोड़ा सोचा और बोतल के ढक्कन को बोतल के अंदर की तरफ ढकेल दिया, जिससे वो ढक्कन बोतल के अंदर चला गया और अब उसने बोतल को उल्टा कर दिया जिससे चाबी बाहर निकल गई और इस तरह से सारा का सारा खजाना पोती को मिल गया। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? तो इस बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 2 आज बहुत ही मजेदार होने वाली है। समीर, श्रेया और रजत तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। एक दिन वो तीनों होटल में खाना खाने जाते हैं, लेकिन इन तीनों में से किसी एक ने जहर खा लिया। दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हो क्या कि जहर किसने खाया होगा? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इसमें तो बस आपको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत थी। अगर आप यहाँ पर वेटर को ध्यान से देखोगे तो उसके हाथ में जो बॉटल है उस पर डेंजर का साइन है और इन तीनों में से सिर्फ रजत के पास ही वैसी बॉटल रखी हुई है और रजत ने ड्रिंक पिया है, तो इसका मतलब रजत ने जहर खाया है। दोस्तों, वैसे आपने क्या जवाब सोचा था? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से फिर से आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलत है। तो भाई जरा ढूंढो ढूंढो और जल्दी से आपका आंसर कमेंट करो। तो दोस्तों, क्या आप ढूंढ पाए थे क्या कि इस पिक्चर में क्या गलत है? नहीं ढूंढ पाए तो देखिए भाई, यहाँ पर दो जगह फ की जगह क लिखा है, दिखाई दिया ना? दोस्तों, क्या आपने ये सही गेस किया था क्या? तो बहुत खूब। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक दिन बंटी को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की। किडनैपर ने उसे
कुछ देर अपने पास रखा, लेकिन किसी तरह से बंटी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब बेचारा बंटी बहुत डर गया है, वो किसी को कुछ बता नहीं पा रहा है। डिटेक्टिव करण बहुत कोशिश करता है, लेकिन बंटी उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी बंटी उन्हें एक ड्राइंग दे देता है जो उसने किडनैप के समय बनाई थी। करण ड्राइंग को ध्यान से देखता है और सारे सस्पेक्ट को बुलाता है। तो पहले मेड आती है जो कहती है कि मैं उस टाइम सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर कहता है कि मैं पीछे वाली रूम में पेंटिंग कर रहा था। तीसरा गार्ड कहता है कि मैं तो गेट पर चौकी दे रहा था। डिटेक्टिव करण इन तीनों की बातें ध्यान से सुनता है और उस ड्राइंग को अच्छे से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन किडनैपर है। लेकिन कैसे? दोस्तों, क्या आप बता सकते हो क्या? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। अगर आप यहाँ पर इस पेंटर के कपड़े को देखोगे तो उस पर जो कलर लगा हुआ है और बंटी ने जो ड्राइंग बनाई है उसमें भी सेम वही कलर लगा हुआ है। मतलब बंटी को पेंटर ने किडनैप करके रखा था। करण तुरंत पेंटर को पकड़ लेता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था तो उसका सही जवाब है भिंडी। इस सवाल का जवाब आप में से सभी लोगों ने सही दिया है। तो उनमें से उन 5 लकी विनर के नाम ये रहे: जानवी रजनी, आर्या, अमीषा प्रजापति, दीपक जैन, तनिया पाटिल। दोस्तों, आप 5ों को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा: फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? तो फिर देरी कैसी, जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, भाई आप टीवी तो देखते हो ना, तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने एक पिक्चर आई है। तो आपको बताना है कि यह किस टीवी सीरियल का नाम है। तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। उस टीवी सीरियल का नाम है चिड़ियाघर। दोस्तों, क्या आपने ये टीवी सीरियल सही गेस की थी क्या? तो इस बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। वह कौन सी रूम है जिसमें ना तो खिड़कियां है और ना ही दरवाजे हैं? तो भाई जरा सोचो सोचो कि वह कौन सी रूम है। तो दोस्तों, पता चला क्या आपको कि वह कौन सी रूम है? नहीं पता? अरे यार, वह रूम है मशरूम, जिसमें ना तो खिड़कियां हैं और ना ही दरवाजे हैं। दोस्तों, क्या आपने ये पहेली सही गेस की थी क्या? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई नई पजल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।